Good morning, students. Today we are going to learn about hat. When to use hat. So for this, you have to be ready with your English 1 grammar test book, page number 58, chapter number 20, that is hat. Okay? So now, for this, now we learn that when to use hat. Now look over here. Had is used in place of has or have when we talk about something that has already happened. हम had कब use करते हैं, जो चीज़ already हो चुकी होती है उसके place पे हम लोग वहाँ पे had use होता है. We use had with I, we, you, he, she, they and with the special names like Tina, Raj or whatever. We may use yesterday, last week, last month, last journey with had. Now, जो चीज़ already हो चुकी है और वहाँ पे आपको जब आप सेंटेंस रीड करते हो तो आपको जब पता चलता है कि ये चीज़ हो चुकी है तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, had यूज़ करना है. Now, you look over the examples given over here. A squirrel डैश अ बुशी टेल, मतलब अभी स्क्विरल के पास बुशी टेल है तो दैट मीन्स इट इज हैज. ही डैश फीवर लास्ट वीक, अब लास्ट वीक दिया है मतलब वो चीज़ उसको ऑलरेडी हो चुकी है, दैट मीन्स इट इज हैड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम टीचिंग यू. हम हैड कब यूज़ करते हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी जब आप सेंटेंस रीड करते हो तब आपको ये चीज़ का आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक ऑन हैड. डैश लॉन्ग टेल, अब इसमें हुआ है या हो चुका है ऐसा नहीं बताया गया है, राइट. सो शी हैज लॉन्ग हेयर. आई डैश अ बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है दैट मीन्स वो ऑलरेडी हो चुका है, सो वी हैव टू अंडरलाइन ऑन हैड. Okay, now I will explain you this. I will finish this text exercise in the online session. Okay.